नमस्ते। टेस्टी खाना मिलाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सुपर हेल्दी एंड टेस्टी एंड सुपर इजी भी है, ये क्या है, ये दलिया का पुलाव। एकदम अलग स्वाद, क्योंकि राइस का पुलाव तो हम खाते ही हैं, उसका टेस्ट तो हमें पता ही है, पर दलिया का पुलाव कभी खाया है, टेस्ट नहीं पता होगा, तो एक बार ज़रूर ये रेसिपी देख के बनाना, बहुत बढ़िया लगेगा। और हेल्दी कितना होता है वो तो पूछो ही मत, ये आप सबको तो पता ही होगा, कितने आसानी से डाइजेस्ट होता है, ये पचता है। चलो शुरू करते हैं बनाना। दलिया का हेल्दी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप दलिया ले लिया है। ये गेहूँ जो आता है ना, उसका छोटा छोटा टूटा हुआ टुकड़ा है ये, इसको दलिया बोलते हैं। आधा कप लिया है, इसको हम एक पैन में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसमें सोना बनाना इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ मिनट हम इसको भून लेंगे। दलिया बढ़िया एकदम भून कर रेडी हो गया है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। स्लाइटली कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है जब भुन जाता है। इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल देंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो जल जाएगा। ये देखो, इस तरह से हमें इसको भुनना है। पुलाव को हम बनाएंगे कुकर में, और इसमें एक बड़ा चम्मच भर के हमने घी डाल दिया है। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे तड़के में हम डाल रहे हैं एक तिहाई चम्मच जीरा है, एक तेज पत्ता है, और आधा इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है दालचीनी का, एक बड़ी इलायची है, चार पांच मैंने लौंग लिया है, और कुछ मैंने 8-10 मैंने काली मिर्च लिया है साबुत। एक खड़ा मसाला इसमें डालेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसको हम डाल देंगे। जब तक मैं तड़का हो रहा है, इसके बीच में हम सब्जी देख लेते हैं। सब्जी आपके पास जो हो, आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हो। क्वांटिटी सबकी एक एक हैंडफुल मैंने लिया है। प्याज और शिमला मिर्च, और ये फ्रोज़न हरा मटर है, आप फ्रेश भी डाल सकते हो, कॉलीफ्लावर, और ये है गाजर, मैंने ऐसे सब रफली चॉप कर लिया है। तड़का रेडी हो गया है, एकदम काला नहीं करना है, बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है इसमें। पहले हम प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ में ही एक तिहाई चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे। आप चाहे तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, या तो कोई एक जो पसंद हो वो डाल सकते हो। अब प्याज के साथ में ये भी अच्छे से भुन जाएगा। 30-40 सेकेंड तक मैंने प्याज को भून लिया है, एकदम ब्राउन नहीं करना है हमें, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे गाजर और ये कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी है, कुछ सेकेंड इसको भी हम भून लेंगे। इसको भी 30-40 सेकेंड तक ही भुना है। जो जो सब्जियां थोड़ी हार्ड होती है ना कुक होने में, उसको हमने पहले डाला है। अब हम डाल देंगे ये मटर और शिमला मिर्च, इसको ज़्यादा पकाना होता नहीं है। और इसी के साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे चटपटा बनाने के लिए पुलाव को। बहुत मामूली सा मसाला डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। ये सब डालने के बाद हम इसमें साथ में नमक भी डाल देते हैं अंदाज के, बाद में मैं नहीं डालूंगी, इसलिए मैं अभी डाल दे रही हूँ कि सब्जियों में मॉइस्चर होता है और हम बना रहे हैं पुलाव, तो पानी कम ज़्यादा बाद में हो सकता है, चिपचिपा हो सकता है। अगर मैं अभी हम सॉल्ट इसमें डाल देंगे, नमक ना अंदाज के, तो जो सब्जी है भुनेंगे भी थोड़े टाइम तक, उतने में पानी रिलीज़ कर देगा नमक पाके, इसलिए हम पहले से ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। अगर मैं आपको अंदाज ना मिले तो आप बाद में भी डाल सकते हो। अब इसको हमें कम से कम 1 मिनट तक भून लेना है। बहुत ही बढ़िया मसाले का अरोमा आने लगा है और अच्छे से भुन गया है मसाला। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे दलिया। दलिया को भी कुछ सेकंड हम भुनेंगे, ऑलरेडी दलिया तो भुना हुआ है, बस मसाले के साथ कुछ सेकंड हमें इसको भी भून लेना है। बहुत ही बढ़िया एकदम भुन गया है। दलिया से ज़्यादा मैंने सब्जी का इस्तेमाल किया है इसमें। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। एक कप पानी डाला। अब इसमें हम
थोड़ा, 1.25 कप हम इसमें पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसलिए नहीं डालेंगे कि सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसमें मॉइस्चर है, तो उसको लेके जितना पानी डाला 1.25 कप, उतने में ये हमारा पुलाव बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से, 2 पिंच जितना गरम मसाला हो गया, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कुकर का लिड लगा देंगे। इसमें हमें 3 सीटी लगाना है। पहला सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 1 सीटी आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पे करके मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकाएंगे और फ्लेम को बंद करके कुकर को कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे, फिर हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कुकर कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखो सब कुछ एकदम अच्छा दिख रहा है, ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। अब इसमें एक ही डाउट रहता है, कुक हुआ है कि नहीं। लेंगे थोड़ा सा दलिया और हाथ से एकदम मैश करके देखेंगे पका है कि नहीं। एकदम बढ़िया मैश हो जा रहा है, मतलब पानी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। 3 सीटी इसके लिए एकदम परफेक्ट है। सी एकदम अच्छे से ये मैश हो रहा है। निकाल लेते हैं अब इसको। ये अभी दिखने में थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है, लेकिन जैसे ये अभी एकदम गर्मा गर्म कुकर से निकाल रहे हैं ना, जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा ना, तो एकदम बढ़िया ये भर भरा हो जाएगा। दलिया का पुलाव बनकर के रेडी हो गया, एकदम बढ़िया टेस्टी। एक बार बनाकर खाएंगे ना तो बार बार इसको बनाकर खाएंगे, मैं बता रही हूँ, इतना टेस्टी ये लगता है। इसको बना के लंच बॉक्स में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी इंजॉय कर सकते हो। बस इतना आसान है दलिया का पुलाव बनाना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देंगे। और दलिया की रेसिपी और भी मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।